अखिलेश यादव हैं, ना कोई तीसरी अन्य पार्टी है, सरकार है योगी जी की बुलडोजर बाबा की। और तब अमेठी में जब न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का जय जयकारा होने लगा, राहुल गांधी की वाहवाही होने लगी, तो उसके बाद इस तरीके से छटपटाने लगी स्मृति ईरानी कि उन्होंने अपनी ही सरकार के लेखपाल को जाकर ये कह दिया कि बात मानते हो या फिर धरने पे बैठो। और उसके बाद पीछे से एक लड़के ने इस तरीके से कह दिया उन्हें कि मैडम बैठ जाइए, कि अब ये बात लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे जो भी इसे देख रहा है वो कह रहा है कि मैडम बात तो सही है, बैठ जाइए, इतना शौक है तो। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी का जवाब आता है कि भैया हम चलते फिरते नेता हैं, हम बैठते नहीं, हम चलते फिरते नेता हैं। मतलब थोड़ी देर पहले क्या कहा था और थोड़ी देर पहले क्या कहा, उस सवाल के जवाब में दोस्तों सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताऊंगी कि आखिर लोग इससे लेकर क्या सब कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करता, बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने में आके बैठ जाऊंगा। अरे मैडम जी बैठ जाइए, भैया भैया अरे यार वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। तो दोस्तों देखा आपने, इसे लेकर हर कोई अलग अलग ट्वीट कर रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है। देखिए कि आखिर सुरेंद्र राजपूत अपने ट्विटर हैंडल पे क्या लिखते हैं। सुरेंद्र लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार है, स्मृति ईरानी जी इस किसके खिलाफ बैठोगी, कांग्रेस के, राहुल गांधी के या समाजवादी पार्टी के, शर्म नहीं आती फिल्मी डायलॉग वाले वीडियो बनवा कर अमेठी की जनता को गुमराह करते हुए, आपकी सरकार, आपका लेखपाल, आपके वाले कब्जेदार, धरने पे बैठेंगी सही तो कहां, किसी ने मैडम बैठ जाओ। यानी कि धरने पे अगर वो बैठ भी जाती है तो कहां बैठेंगी, किसी ने कह दिया कि मैडम बैठ जाओ, तो कहती है कि हम तो चलते फिरते नेता है। इसे लेकर नरगिस बानो ने भी ट्वीट किया है, लिखती है कि एक लड़के ने स्मृति ईरानी के दावे की पोल खोल दी, स्मृति ईरानी आधे घंटे से जमीन खाली कर दो वरना वहीं बैठ जाऊंगी। एक लड़का पीछे से बोलता है बैठ जाइए मैडम, बैठिए ना, तो बैठ क्यों नहीं रही है। इसे लेकर रितु चौधरी भी कमेंट करती है, जहां पर वो लिखती है कि स्मृति ईरानी आधे घंटे में जगह खाली करो नहीं तो मैं सड़क पर बैठ जाऊंगी। अमेठी की जनता, मैडम बैठ जाइए, राहुल गांधी जी के अमेठी पहुंचने से जनता का जोश हाई है। निगार प्रवीण ने भी इसे लेकर लिखा है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी है, कैमरे पर अधिकारियों को फटकार रही है, तभी करीब में खड़े लड़के ने सारी पोल खोल दी, तो बैठ जाइए धरने पे। और सवाल बिल्कुल सही है, अगर इतना लग रहा है तो फिर बैठ जाइए, क्यों नहीं बैठ रही है, बैठना चाहिए ना। अगर सरकार आपकी है, लेखपाल आपका है, कब्जा करने वाला इंसान आपका है, और तब भी बैठने की बात कौन कर रहा है धरने पे, स्मृति ईरानी। ये वही स्मृति ईरानी है जिनका नाम जब भी कोई भी धरना होता है महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर हो, तो सबसे पहले भैया याद स्मृति ईरानी की ही आती है। जो उन्होंने सिलेंडर लेकर धरना किया था तब, वो आज भी फेमस है कि जब भी बात होगी स्मृति ईरानी की तो स्मृति ईरानी का वो सिलेंडर वाला धरना जरूर याद आएगा कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन आज देख लो, आज ना महंगाई डायन खाए जाते हैं, ना ही कोई दिक्कत है। ये छटपटाहट इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता नजर आ रही है। राहुल गांधी अमेठी से जीत चुके हैं कई बार, और इसके साथ ही स्मृति ईरानी भी एक बार जीती हुई है, तो ऐसे में अब उनका कंपटीशन जो है वो चालू होना जरूरी भी था, क्योंकि भैया शुरू नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में रिजल्ट दिखेगा कैसे। खैर, स्मृति ईरानी के वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।